हैं, लेकिन ये सिर्फ एक इंडस्ट्री का नहीं है, आपकी हर इंडस्ट्री का इसी तरह से है। सही सही सही, ये बंद हो गई। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी चर्चे, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। आज हम ब्लॉग बनाने जा रहे हैं, ये ब्लॉग भी होगा इंटरव्यू भी होगा। आज हम अपने एक भाई हैं उस्मान भाई, पेंटा प्रॉपर्टी से, उनका आज इंटरव्यू लेने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़ के हवाले से, क्या काम चल रहा है, कैसा चल रहा है, क्या सिचुएशन है अभी प्रॉपर्टीज़ की, उस हवाले से इंटरव्यू होगा उनके साथ। और उनके अभी हम लोग जाएंगे ऑफिस, तो अभी मैं अपनी शॉप पर, ठीक है, तो यहाँ से मैं उनकी ऑफिस जाऊँगा और वहाँ से उनसे मीटअप होती है। आप वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें चैनल को, पैसा बने जल्दी चैनल का, और होपफुली आपको वीडियो पसंद आए। तो गाइस, ऐसा है कि मैं घर से व्लॉग नहीं स्टार्ट किया मैंने, और मैं शॉप पर ले आया अपने ये ट्राईपॉड ले आया हूँ, ठीक है, वायरलेस माइक्रोफोन ले आया हूँ, चूँकि इंटरव्यू लेना है तो इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, वो फिर ये है कि ईजी हो जाएगा सारा। तो अभी चलते हैं सीधा उस्मान भाई की तरफ। तो भाई लोग, हम पहुंच गए हैं यहाँ पे पेंटा प्रॉपर्टीज़ पे, ये देख सकते हैं इस तरह के, अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर उस्मान भाई के पास, उस्मान भाई ले लिए, तो होपफुली सारा गुड सीन हो, इंटरव्यू अच्छा हो जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, वेलकम टू, आई नीड न्यूज बट आई डोंट नो पेंटा प्रॉपर्टीज। अस्सलाम वालेकुम, पेंटा प्रॉपर्टीज से कुछ आमदीद करते हैं, और आज हम मौजूद हैं जुनैन भाई के साथ, जो हमारा इंटरव्यू लेंगे या हम उनका इंटरव्यू लेंगे ये बाद में देखते हैं। हम नहीं ले सकते हैं, आप लोग खींच के ले जाइएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं उस्मान भाई? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब भाई, आप सुनाएं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है। और सुनाएं, क्या रूटीन है आपकी आजकल? रूटीन बस ये है, सुबह फजर टाइम उठते हैं, नमाज वगैरह पढ़ते हैं माशाल्लाह, नमाज के बाद फिर ये है कि थोड़ा सा कभी सो जाते हैं, कभी वॉक कर लेते हैं माशाल्लाह, फिर ये कि 8-9 बजे ऑफिस की तैयारी करते हैं, तो ऑफिस के लिए निकल आते हैं माशाल्लाह। सही सही, और आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी क्या रूटीन है? माशाल्लाह, बस यार सुबह बस उठते हैं और उसके बाद कोशिश करते हैं कि नमाज पढ़ें, लेकिन सम टाइम रह जाती है टू बी ऑनेस्ट, आसानी करें जी, बस उसके बाद अपना बिजनेस। आपको 2 मिनट के लिए यहाँ पे मैं टोकूंगा कि जी जी, माशाल्लाह आपने टाइम निकाला, और टाइम निकाल के हम मशकूर हैं इस चीज़ के लिए कि आप जो है ना इंटरव्यू कर रहे हैं माशाल्लाह, तो वो शुक्रिया आपके लिए। तो मेरा आपसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो प्रॉपर्टीज़ की आजकल सिचुएशन बनी हुई है, काफ़ी ज़्यादा हाइप बनी हुई है, लोग मतलब काफ़ी वो मतलब हुए हुए कि जी प्रॉपर्टीज़ के रेट हाई हो गए हैं, और उसके बाद क्या मैं प्रॉपर्टीज़ मिल नहीं रही, उसके बाद काफ़ी सारे इशूज़ देखने को आ रहे हैं, तो आपका क्या इस बारे में राय है, आप क्या कहना चाहेंगे और अभी क्या थिंकिंग है इस बारे में? देखें, पता है कि कारोबार कोई भी है ना जी, उसमें एक जनरल प्रिंसिपल है, हम पढ़ते थे अपने स्टडी टेन्योर में भी कि डिमांड एंड सप्लाई होती है, हर इंडस्ट्री के अंदर कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है और उनको मीट किया जाता है। सही सही सही, रियल एस्टेट इंडस्ट्री इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्री इन पाकिस्तान माशाल्लाह, और इससे सिर्फ रियल एस्टेट इंडस्ट्री एक इंडस्ट्री का नाम नहीं है, ठीक ठीक, इससे आपकी तकरीबन 150 इंडस्ट्रीज़ जो है ना इंटरलिंक्ड हैं, आपकी कंस्ट्रक्शन इंटरलिंक है, आपका सीमेंट सरिया, आपकी लेबर, आपकी बेतहाशा इंडस्ट्रीज़ हैं जो इसके साथ चलती हैं, एक रियल स्टेट के बिज़नेस के साथ। सही सही सही, रियल स्टेट होगा आपकी कंस्ट्रक्शन चलेगी, आपकी कंस्ट्रक्शन चलेगी, आपकी बाकी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो चलेंगी, ठीक ठीक, तो एक बहुत पोटेंशियल है, और इस इंडस्ट्री के अंदर
नो डाउट इकोनॉमिक फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर इस बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली करते हैं। बिल्कुल। तो बाकी आपकी बात है कि इंडस्ट्री ने बहुत ग्रो किया एक टाइम के ऊपर, सही सही, और अच्छा ग्रो किया। अभी की सूरत हाल देखिए तो थोड़ा सा एक ब्रेक लगा हुआ है, चीज़ें उस तरह से स्मूथ नहीं है, क्योंकि उसकी एक बहुत बड़ी वजह पॉलिटिकल रीज़न है इसकी, कि जो है ना पॉलिटिकली उस तरह से चीज़ें नहीं है, तो इस वजह से उतना पोटेंशियल अभी आजकल नहीं है। लेकिन ये सिर्फ एक इंडस्ट्री का नहीं है, आपकी हर इंडस्ट्री का इसी तरह से। They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it. अच्छा सुमानी, मेरा आपसे दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन ये है मेरा आपसे कि अभी फिलहाल जो मतलब ओवरऑल मुल्क में क्राइसिस चल रहे हैं, जिस तरह पॉलिटिकल और जिस हिसाब से सारा डिस्टर्ब हुआ हुए हैं, तो अभी आपके हिसाब से क्या मतलब आप अभी मार्केट में हैं और क्या रेट चल रहे हैं इस टाइम प्रॉपर्टीज़ में, बिल्डिंग्स में, उसके बाद कंस्ट्रक्शन में, इसमें क्या रेट चल रहे हैं? देखिए बहुत वैलिड क्वेश्चन है। आजकल लोगों को इस वाले से काफ़ी कंसर्न भी रहता है कि जाहिर है कि मार्केट के हालात पहले जैसे नहीं हैं, तो अभी किस तरह से हालात होंगे। तो अगर आप ओवरऑल एवेल्यूएट करें तो तकरीबन इस टाइम अगर हम बहरिया की बात करें तो एक एक मिलियन के करीब तकरीबन रेट आपके गिरे हुए हैं। लेट्स से अगर एक प्रॉपर्टी आपकी एक 10 में एक 20 में बिक्री थी, इस टाइम वो प्रॉपर्टी 1 करोड़ में, 95 में, 90 लाख के अंदर यानी कि वो ट्रेड होती है। अच्छा। और उसकी बहुत बड़ी वजह है कि डिमांड नहीं रही। जाहिर है कि लोग अपने जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसके वजह से बहुत ज़्यादा सिक्योर है। सिक्योर इस सेंस में है कि वो उनको ये है कि यार अगर हम इन्वेस्ट कर देते हैं लेट से कि आगे पता नहीं क्या होने वाला है। तो ये चीज़ें हैं, फैक्टर्स हैं कि जो है ना लोग थोड़ा सा घबराए हुए हैं प्रॉपर्टी में इन्वेस्टिंग करें। लेकिन इधर ही एक मैं आपको बहुत अहम चीज़ आपको डिस्कस करना चाहूँगा कि दिस इज़ द बेसिकली दिस इज़ द राइट टाइम टू इन्वेस्ट। होता ये है कि जब प्रॉपर्टी के रेट्स गिर जाते हैं ना, तो वो बाइंग पीरियड होता है आपका। वहाँ से जब डिप्रेशन आता है इकोनॉमी के अंदर, वहाँ पर आपका बाइंग पीरियड स्टार्ट होता है। आप बाइंग करें और उसको होल्ड कर लें। जो भी चीज़ है, आप प्लॉट ले रहे हैं, घर ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, आप किसी भी तरह की प्रॉपर्टी ले रहे हैं, आप उसको होल्ड कर लें और जस्ट वेट अ नंबर ऑफ इयर्स, ये नंबर ऑफ मंथ्स, जब हालात थोड़े से बेहतर होंगे तो आप देखिएगा कि जो प्रीवियसली जो रेट्स होंगे उससे बहुत ऊपर रेट्स जाएंगे। मैं छोटी सी एग्जाम्पल दूंगा, कोरोना के अंदर लोग काफ़ी हद तक सिचुएशन ये बनी थी कि कोरोना के अंदर भी लोगों ने इन्वेस्ट करना बंद कर दिया था। अच्छा। तो उसमें क्या हुआ कि जब इन्वेस्ट करना बंद कर दिया तो जाहिर है कि तब भी एक बड़ी क्योटिक सी सिचुएशन क्रिएट हो गई थी। लेकिन उस दौर के अंदर जिन्होंने प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट किया है, उन्होंने जैसे ही कोरोना का पीरियड थोड़ा सा बाईपास हुआ है, तो उन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज़ को बहुत अच्छे रेट पे सेल किया है। अच्छा। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, कोरोना के टाइम के अंदर वो चाह रहे थे कि यार मैं इन्वेस्ट करूं प्रॉपर्टी के अंदर, तो बहरिया के एक फेज़ है, फेज़ के नाम से, सेक्टर के नाम से, ठीक ठीक, तो वहाँ पर इनको मैंने प्लॉट सजेस्ट किया कि आप इन्वेस्ट करें। 8-8 मरले के प्लॉट मैंने उनको 25-25 लाख रुपये के अंदर इन्वेस्ट करवाए। और वुड यू बिलीव के अबाउट आफ्टर 8-9 मंथ्स, 8-9 महीने के बाद उसकी क्या वैल्यू होगी? वही प्लॉट इनके जो उन्होंने 25-25 लाख रुपए के लिए थे, वही प्लॉट इन्होंने 65-65 लाख रुपए के बेचे। ओह नाइस। तो ये आपको एक चीज़ मिलती है एक्स्ट्रा, ठीक, कि आप जब डिप्रेशन पीरियड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको रेट ऑफ रिटर्न बहुत अच्छा मिलता है। अच्छा, मैं सीधे ही थर्ड क्वेश्चन में जाऊंगा। जी जी। थर्ड क्वेश्चन मेरा ये है कि आपका एक्सपीरियंस कितना हो गया है इस प्रॉपर्टी के फील्ड में? प्रॉपर्टी की फील्ड में अगर आप अनऑफिशियली काउंट करें तो वी हैव स्टार्टेड बाइंग इन 2014। ठीक। 2014 के अंदर हमने अपना यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी को परचेज किया था। ठीक। लेकिन उसका पर्पज़ ये था कि हम एक अपना घर बनाएंगे यहाँ पर। हमने बहरिया फेज़ 8 के अंदर अपना प्लॉट ख़रीदा था उस्मान ब्लॉक में। सही। तो बाद में उसी प्लॉट को हमने ट्रेड किया, रोल आउट किया, मेरे बड़े भाई हैं उस्मान, ठीक ठीक, दो भाई हैं हम, तो
ये है कि मिल के फिर हम करते थे चीज़ों को मैनेज, तो ऐसे ऐसे ये है कि मैं काफ़ी लेट आया हूँ। फिर मैं भाई के बिहाफ पे ये कि परचेज सेल करने के लिए आता था, मैं वॉज इन लाहौर, तो मैं जब भी परचेज करना होता था या सेल करना होता था प्लॉट, तो मैं लाहौर से इधर आता था, इधर आके फिर वो ट्रांसफ़र दे के फिर मैं वापस चला जाता था। तो मैं ऑफिशियली 2020 के अंदर इस काम के अंदर आया हूँ प्रॉपरली, मैंने स्टार्ट किया। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला बरकत दे आपके काम में। और मेरा फोर्थ क्वेश्चन ये है कि अभी जो न्यू बिगनर जो हैं इस प्रॉपर्टीज के प्रॉपर्टी के फील्ड में जो आ रहे हैं, मतलब एज ए जॉब या एज ए काम या एज ए अपना बिजनेस शुरू करने, जी जी, आप क्या राय देना चाहेंगे? राइट नाउ ये टाइम अच्छा है इन लोगों के लिए काम करना, या फिर क्या कहना चाहेंगे आप हमारे व्यूअर्स को, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, इसके प्रॉपर्टी का एक ये पार्ट टाइम जॉब नहीं है, आप सबसे पहले ये चीज़ ध्यान में रखें, प्रॉपर्टी इज़ अ फुल टाइम जॉब। आपका प्रॉपर ये काम है, आपका प्रॉपर ये बिजनेस है। तो जो भी कोई बंदा करना चाहता है, इसको स्टार्ट करना चाहता है या इसको ज्वाइन करना चाहता है, तो सबसे पहले मैं ये सजेस्ट करूँगा कि यू शुड चूज़ अ गुड टीम। आप अच्छी टीम को ज्वाइन करें, और नो डाउट इस काम के अंदर बहुत मेहनत है। जो लोग कहते हैं ना कि यार विले बैठ के ये काम होता है, तो ऐसा नहीं है। हो सकते हैं आपको सुबह 8 बजे निकलें और रात को आप 10-11 बजे घर जाएं। शुरू में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कोई भी जॉब है आपको शुरू में मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल, जब आप मेहनत करते हैं आप अपनी एक पहचान बनाते हैं, आप अपना एक नाम बनाते हैं। वो जब नाम बनता है तो उसके बाद जो है आपको लोग जानते हैं। और ये बिज़नेस टोटली PR के ऊपर है कि जितने लोग आपको जानेंगे पहचानेंगे, जितनी आपकी कमिटमेंट अच्छी होगी आपका उतना ट्रस्ट लेवल बेहतर होगा, और यही चीज़ आपका बिज़नेस कैश कर रही होंगी। और अगर आप आना चाहते हैं आई वेलकम एनी टाइम, लेकिन इसको एज अ पार्ट टाइम आप ना करें कंसिडर, दिस इज़ अ फुल टाइम जॉब। उस्मानी, मेरा आपसे फिफ्थ क्वेश्चन ये है कि आपके साथ कस्टमर का क्या बिहेवियर होता है जब कोई भी मतलब प्रॉपर्टीज़ के मुतालिक कोई डील वगैरह चलती है, या फिर किस तरह आप डील करते हैं, आप किस तरह टैकल करते हैं उनको, क्या सिचुएशन होती है साथ? देखिए, दो चीज़ें होती हैं, दो अप्रोचेज होती हैं। एक वो अप्रोच होती है, लोग कहते हैं लो भी मुर्गी आ गई है, क्लाइंट आ गया ना, मतलब मुर्गी आ गई है, इसको लाल करना ही करना है। ठीक है, लोगों की पहली अप्रोच वेरी अनफॉर्चुनेट से कि ये सोच कुछ लोगों की होती है कि बस आ गया ना तो इसको चूना लगा देना, चूना लगा देना ऐसी है। अगर लेट से 50 लाख वाला प्लॉट है, बस कहेंगे यार हम 55 में बेच दें, 60 में बेच दें। तो मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि क्लाइंट भी इतना इमेच्योर नहीं होता। हाँ, होते हैं कुछ, लेकिन बिजनेस जो है ना, बिजनेस है, कारोबार है। ठीक ठीक, आपको बिजनेस, कोई भी बिजनेस है, क्लाइंट बेस्ड बिजनेस है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कस्टमर सर्विस की। आप बिल्कुल कस्टमर को किस तरह से डील करते हैं और उसको किस तरह से सर्विस प्रोवाइड करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, मेरे पास जब कोई क्लाइंट आता है तो मेरी सबसे पहले अप्रोच होती है कि मैं सबसे पहले उसकी रिक्वायरमेंट को समझूँ कि उसकी एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट क्या है, वो चाह क्या रहा है। Either he want to invest, ठीक, इधर ही वांट्स टू इन्वेस्ट फॉर योर सेल फॉर हिज और हर सेल, कि वो अपनी ज़ात के लिए कह रहा है या प्रॉफिट पर्पज़ के लिए कह रहा है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। दूसरे नंबर पे चीज़ आती है कि वो कितने बजट के अंदर इन्वेस्ट करना चाह रहा है। वो जब चीज़ें हम डिफाइन करते हैं तो मेरी सबसे पहले अप्रोच होती है कि देखें, इस टाइम जिस भी मार्केट में आप जाते हैं ना, जिस भी आप सोसाइटी के अंदर जाते हैं, वी कंसीडर अ सोसाइटी या मार्केट, वहाँ पे आपको डीलर्स मिलते हैं। तो सबसे पहली ये अप्रोच होती है कि देखिए, इतने सैकड़ों आपके डीलर्स हैं, तो अगर आपके पास से स्लिप हुआ क्लाइंट तो किसी और के पास जाएगा, किसी और के पास जाएगा। तो आपने ऐसी सर्विस देनी है, प्रायोरिटी बेस्ड सर्विस देनी है कि क्लाइंट आपसे सेटिस्फाई हो। और उसमें दो चीज़ें बड़ी अहम होती हैं कि एक चीज़ ये कि रेट वाइज आप जो भी चीज़ क्लाइंट को दें वो मार्केट से जहाँ से भी वो उसको रेट मिले वहाँ से उसको महंगी मिल रही हो, आप उसको सस्ती करवा के दें। और ये डिपेंड करता है कि आपकी वर्किंग कितनी है फील्ड के अंदर। ज़ाहिर है, जितना स्ट्रॉन्ग आपका नेटवर्क होगा उतनी अच्छी चीज़ आपको उतनी सस्ती पैसों में मिलेगी। चीज़ ठीक, आपको चीज़ सस्ती मिलती है, आप उसको डिलीवर करें। दूसरी चीज़ ये है कि टाइम का आप लिहाज रखें, आप ये चीज़ को असेस करें कि क्लाइंट है उसका कंफर्ट जोन क्या है।
वो किस चीज़ के अंदर कंफर्टेबल है, आप उस तरह से उसको सर्व करें। तो इंशाल्लाह कभी भी क्लाइंट ये है कि मैंने नहीं देखा कि आप अगर अच्छे तरीके से उसको क्लाइंट को सर्व करते हैं तो वो दोबारा आपके पास ना आए, वो खुद भी आता है और अपने रिश्तेदारों को भी लेके आता है और एक चेन आपकी जो है ना वो शुरू हो जाती है, शुरू हो जाती है। तो उस्मान भी बड़ा अच्छा लगा आपसे इंटरव्यू करके, मेरे जो मिक्स क्वेश्चन थे वो मैंने आपसे किए हैं और माशाल्लाह मुझे काफ़ी अच्छा आंसर्स वगैरह मिले हैं, उस्मान भी ने काफ़ी अच्छे से आंसर्स दिए हैं और होपफुली आपको भी अच्छा लगा होगा और आप लोगों ने सही से इसको सुना होगा और आगे अगर आप करना चाहते हैं इस मतलब फील्ड में आप काम, तो आप ज़रूर इनसे रब्ता कर सकते हैं। मैं इनका सोशल मीडिया हैंडल, यूट्यूब चैनल सबको इनका मैं मतलब डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और उसके बाद उस्मान भी फाइनल मेरी एक बात ये है कि आप मुझे काइंडली बताएंगे कि आपकी लोकेशन क्या है, आपका मतलब ये ऑफिस किस जगह है? हमारा जो ऑफिस का एरिया बहुत ही ईजी इसकी लोकेशन है, अगर आप DHA सेक्टर 1 से एंटर होते हैं, इस्लामाबाद DHA सेक्टर 1 से अगर एंटर होते हैं बहरिया के अंदर, तो आप डायरेक्टली बहरिया फेज 7 के अंदर एंटर होते हैं। जैसे ही फेज 7 में एंटर होंगे फर्स्ट यू टर्न लेते साथ आपको लेफ्ट साइड पर हमारे ऑफिस की लोकेशन नज़र आ जाएगी। और ये कमर्शियल कौन सा है, ये मिडवे कमर्शियल है, मेन बहरिया एक्सप्रेस वे के ऊपर है। और अगर आप GT रोड से मेन GT रोड से आते हैं तो जैसे ही आप फिर 7-8 की गेट से एंटर होंगे तो हार्डली 2-5 मिनट्स की ड्राइव के ऊपर आपको लेफ्ट साइड पे हमारा ऑफिस नज़र आएगा। ये बिल्कुल रिवर्स वहाँ के ऑपोजिट साइड पे, यहाँ पे ज़ू भी है बिल्कुल, और इसके ऑपोजिट साइड पे बिल्कुल मेन बहरिया एक्सप्रेस वे के ऊपर हम सिचुएट करते हैं और फर्स्ट फ्लोर पर हमारा ऑफिस है। बाकी जो डिटेल्स हैं वो जुनैद भाई आपके साथ डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह। बहुत अच्छा लगा, नाइस मीटिंग यू एंड थैंक यू सो मच जुनैद भाई, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। तो गाइस आप लोगों के साथ यहीं तक का मतलब इंटरव्यू था और एक तो गाइस यहीं तक इंटरव्यू था उस्मान भाई के साथ, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा गुफ्तगू करके इनके साथ और इंशाल्लाह ताला होपफुली आगे जो भी जो क्राइसिस हुए हैं प्रॉपर्टीज़ के अंदर, प्रॉपर्टीज़ फील्ड में, वो इंशाल्लाह ताला जल्दी रिलीफ हो जाएंगे और इंशाल्लाह अच्छे से काम होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। दिस इज़ मी चोजने साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़, बाय।